हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स क्लास टुडे वी विल सी अबाउट सेट लैंग्वेज नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर समुच्चय इन अवर ऑफन डील विथ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स स्टैम्प्स कॉइन्स एक्सेट्रा सेट लैंग्वेज इज ए मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी हमारे डे टू लाइफ में हम लोग लो बहुत सारे वस्तुओं के संग्रह को देखते हैं यानी जैसे पुस्तक पुस्तकों का संग्रह स्टैंप कॉइंस और यही नहीं वेजिटेबल्स तरकारियाँ फल फ्रूट्स आदि वस्तुओं का संग्रह को हम देखते हैं तो इन वस्तुओं के संग्रह को जो सूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं समुच्चय कहते हैं आइए अभी देखेंगे व्हाट इज सेट वी विल लेट अस नो अबाउट सेट समुच्चय समुच्चय किसे कहते हैं सेट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं की सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स वस्तुओं के यानी उस समुच्चय के वस्तुओं को यानि उसके अवयव या सदस्य एलिमेंट्स अवयव या मेंबर्स मेंबर्स का मतलब सदस्य कहते हैं वस्तुओं को समुचय में पाए जाने वाले वस्तुओं को फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन य डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में स्थित पुस्तकों की यानी सभी पुस्तकों का संग्रह द कलेक्शन ऑफ कलर्स इन येनबो रेनबो में स्थित सभी रंगों का संग्रह रेप्रेजेंटेशन ऑफ येट हम सेट को कैसे सूचित करते हैं देखिए अभी द कलेक्शन ऑफ ऑर्ड नंबर्स कैन बी डिस्क्राइब इन मेनी वेज फर्स्ट वन द सेट ऑफ ऑर्ड नंबर्स इन इज ए फाइन डिस्क्रिप्शन वी अंडरस्टैंड इट विल हमें खूब मालूम होता है द सेट ऑफ आट नंबर्स विषम संख्याओं का समुच्चय इट कैन बी रिटर्न एज वन कमा थ्री कमा फाइव एक्सेट्रा एंड यू नो वॉट आई मीन दैट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं फ्लावर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे उन अवयों को आठ नंबर्स किससे शुरू होता है एक से सो वन कमा थ्री कमा फाइव कमा सेवन कमा नाइन कमा लेवन और थर्टीन ऐसे वो चलते रहेगा तो इस तरफ हम फ्लावर बैकेट के अंतर्गत कमा डालकर उन अवयवों को हम लिख सकते हैं ऑल्सो इट कैन बी सेट एज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स एक्स वेर एन आट नंबर जहाँ x विषम संख्या है इसका कितने फॉर्म है अभी देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहला फॉर्म क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी वर्णन रूप अक्षरों में हम इसे सूचित करते हैं अक्षरों में सूचित करते हैं हम जो भी वर्णनात्मक रूप में इसका मतलब अक्षर के रूप में जो भी पाया जाता है उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी वर्णन रूप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के अक्षरों में सभी स्वरों का समुच्चय सेकेंड वन द सेट ऑफ होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और दूसरा रूप क्या है बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म यानी रूलर फॉर्म भी कहते हैं कैसे वो नियमानुसार हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू वर्णन रूप में क्या देखे थे हम सेट ऑफ ऑल वर्वल्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी के अक्षरों का स्वरों का सभी स्वरों का समुच्चय तो उसे कैपिटल लेटर ए में सूचित करते हैं बिल्डर फॉर्म में यानी रूल फॉर्म में ए इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट के अंदर का इसे लिखना है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स बेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी अक्षरों का स्वर ये अंग्रेजी अक्षरों का स्वर है हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर में यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में सूचित करना है अगला क्या दिया है द सेट ऑफ होल नंबर्स वर्णन रूप में क्या देखे थे हम सेट ऑफ होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय इसे हम कैसे लिखेंगे b to X such that X to be लिख सकते हैं नहीं तो सच दट भी लिख सकते हैं सो so, एक सच दट एक्स एक पूर्ण संख्या है एक्स का मान क्या है इसमें पूर्ण संख्या है इसलिए एक्स एक पूर्ण संख्या है फ्लावर ब्रैकेट के अंतर्गत येक्स या येक्स जैसे लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तो बिल्डर फॉर्म यानी रूल फॉर्म रूलर फॉर्म तो अभी देख लिए हमें मालूम हो गया डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णन रूप क्या है बिल्डर फॉर्म क्या है अभी नेक्स्ट वन रोस्टर फॉर्म और टैबलर फॉर्म सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप जनरली रोस्टर रूप से हम सूचित करते हैं इसमें ये सेट कैन बी डिस्क्राइब बाई लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट एक समुचय के सभी अवयवों को हम लिखते हैं ना उसी को ही हम क्या कहते हैं रोस्टर रूप इक्वल टू पहले हम क्या देखे थे ए सेट ऑफ ऑल वेबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स अंग्रेजी अक्षरों के सभी यानी अंग्रेजी अक्षरों के स्वरों का सभी स्वरों का समुच्चय क्या क्या अंग्रेजी अक्षरों का समुच्चय ये ई आई ओ यू इसे समुच्चय ये के अंतर्गत फ्लावर ब्रैकेट में इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे अवयवों को सभी स्मॉल लेटर में लिखना है सो क्या क्या अवयव इसमें यानी स्वर क्या क्या अंग्रेजी के अक्षरों का स्वर ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू अभी मालूम पड़ गया है ना कैसे अवयवों को लिखते हैं उन अक्षरों को केवल लिख लेंगे फ्लावर ब्रैकेट के अंदर गए अभी दूसरा क्या दिया यक्स सच देट यक्स इज ए होल नंबर एक पूर्ण संख्या है बी टू क्या पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है जीरो से सो जीरो वन टू थ्री कमा एक्सेट्रा यहाँ पर जो होल नंबर कहीं अंत होने का दस तक ऐसा कुछ दिया है क्या कुछ नंबर मेंशन नहीं किए इसका मतलब वो चलते रहेगा देर इज नो एंड फॉर दैट तो हमें अभी मालूम पड़ गया वर्णन रूप में अक्षरों में लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में यानी रूलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ये येक्स येक्स और, येक्स ऐसे हम लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में उन अवयों को केवल लिखते हैं इसी आकार में जो भी प्रश्न देंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं मालूम पड़ेगा सो so, अभी अगला देखेंगे अभी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है लिस्ट द लेटर्स ऑफ द लेट फॉलोइंग वर्ड्स इन द रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म माने हम लोग क्या जानते हैं केवल उन अवयवों को लिखना है अभी कैसे लिखते हैं देखेंगे फर्स्ट वन इंडिया एंड सेकेंड गिवन पैलोग्राम एंड थर्ड वन इज गिवन मिसिसिपी फोर्थ वन इज गिवन नाउ इंडिया फर्स्ट वन ये टू इन अवयों को हम कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में इक्वल टू आई कमा एन कमा डी कमा आई दो बार आ रहा है तो ये एक बार केवल लिख सकते हैं बार बार आने से उसे दोहराने की जरूरत नहीं है सो डी कमा ये सो ये बार ही आई लिख सकते हैं दो बार आने से भी रिपीट नहीं करना है वो बात याद रखिए अभी अगला क्या दिया है पैल लोग्राम पी पी लिख लिए ये कमा आर फिर से ये आ रहा है तो ये पहले लिख चुके हैं इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कमा यल सो so, यल लिख लिए फिर से यल आ रहा है सो so, ये एक बार लिखने से काफ़ी है इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है सो so, यल कमा ई ई कमा देन ओ कमा जी फिर से आर आ रहा है सो so, आर आ, रिपीट होने से उसे लिखने की जरूरत नहीं है ये भी रिपीट हो रहा है तो इसलिए वो भी नहीं लिखना नेक्स्ट क्या है यम सो यम तक लिख कर उसे फ्लावर ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं अभी अगला देखेंगे अभी मालूम पड़ रहा है ना रिपीटेड अक्षरों को हम नहीं लेंगे एक बार ही लिखते हैं अगला जो है पहले समुचाई का नाम ये दे चुके हैं बी दे चुके हैं अभी अगला मिशी के लिए हम क्या लिखने वाले सी समुचाई नाम देने सो वाले सो कैप लेटर सी इक्वल टू within flower bracket Mississippi M, comma I, कमा आई कमा यस कमा फिर से yes आ रहा है सो so, लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर से आई आ रहा है फिर से यस आ रहा है फिर से yes आ रहा है फिर से आई आ रहा yes है तो so, इसे लिखने बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कमा P और फिर से P आने से वो भी लिखने की जरूरत नहीं और आई फिर से आ रहा है तो so, इसलिए वो भी लिखने की जरूरत नहीं सो so मिसिपी माने एम कमा आई कमा यस कमा पी इस तरह उन अवयवों को हम रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते हैं नेक्स्ट वन सेकोसला वाकिया सो डी इज इक्वल टू सी कमा इज कमा फिर से सी आ रहा है सो so लिखने की जरूरत नहीं सो कमा हेच कमा ओ कमा यस कमा एल कमा वी कमा ये कमा के कमा आई आई फिर से ये आ रहा है तो ये पहले ही लिख चुके हैं ना सो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सो को सलो वाक्य ऐसे ये एक बार उन अवयवों को लिखना काफ़ी है मालूम पड़ रहा है ना अभी कैसे रोस्ट रूप में लिखना है ऐसे क्वेश्चन देने से ऐसे आप लोग अपना नाम को भी रखकर देख सकते हैं ऐसे अपने आप खेल भी सकते हैं खेल खेल में हम ये सब सीख सकते हैं और ये जो है अपना नाम या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम देकर भी हम हल करके निकाल सकते हैं तो वैसे अगला थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सेट दिया है ये इक्वल टू ज़ीरो कमा थ्री कमा फाइव कमा एट बी इक्वल टू सेट ऑफ टू कमा फोर कमा सिक्स कमा टेन और सी इक्वल टू ट्वेल्व कमा फोर्टीन कमा एटीन कमा ट्वेंटी और इसे हम ट्रू और फॉल्स कहना है इसमें से जो सही या गलत लिखना है सो so पहला क्वेश्चन एटीन बिलोंग्स टू सी ऐसे ऐसे ई जैसे नज़र आता है ना कैपिटल लेटर ई जैसे लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे लिखना है तो उसको हम क्या कहते हैं बिलोंग्स टू यानी एटीन बिलोंग्स टू सी एटीन सी में है तो है लिखने के लिए हम क्या बिलोंग्स टू का यूज करते हैं और नहीं है बोलने के लिए उस बिलोंग्स टू को काटने से नहीं है मालूम पड़ेगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन एट बिलोंग्स टू सी सी में एटीन है क्या हाँ एटीन है इसलिए वो सही है अगला देखिए सिक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ये सिक्स इसमें है क्या ये में है क्या नहीं है सो क्या भी दिया है नहीं है दिया है इसलिए वो भी सही है अभी नेक्स्ट वन क्या दिया है थर्ड वन फोरटीन नॉट बिलोंग्स टू सी फोरटीन सी में नहीं है क्या सी में है लेकिन इसमें क्या दिया है नहीं है दिया है इसलिए फॉल्स गलत और फिर से अगला देखिए टेन बिलोंग्स टू बी टेन है क्या बी में हाँ इसमें भी क्या दिया है बी में है टेन तो इसलिए ये भी क्या है सही है ट्रू अभी अगला देखिए फाइव बिलोंग्स टू बी याने फाइव बी में है क्या फाइव का अवयव फाइव नंबर है क्या बी में है क्या नहीं है तो इसलिए वो क्या गलत अभी मालूम पड़ रहा है ना कैसे निकालना ये सब और सिक्स वन देखिए जीरो बिलोंग्स टू बी जीरो बिलोंग्स टू बी जीरो बी में है जीरो का अवयव बी में है क्या नहीं है इसलिए वो भी क्या गलत है सो अभी देखिए अगला फिलिंग द ब्लैंक्स कालिस्तान बरू इसमें थ्री बिलोंग्स टू डैश थ्री डैश समुच्चय में है हमें लिखना है ये अवैया उससे भी जो भी दिए है अभी थ्री बिलोंग्स टू डैश थ्री बिलोंग्स टू डैश थ्री बिलोंग्स टू थ्री में है ये समुच्चय में इसलिए ये कैपिटल तो लेटर ये डालना है यहाँ क्या डालना है हमें ये डालना है अभी फोर्टीन बिलोंग्स टू डैश फोर्टीन कौन से समुच्चय में है सी नामक समुचे में नजर आ रहा है सो फोरटीन सी में है तो so, इसलिए सी लिखना है अभी एटीन डैश बी एटीन बी में है क्या देखिए सी में है तब तो यहाँ क्या डालेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे क्या लिखेंगे ऐसे ई जैसे डालकर उसे काट लेंगे अभी जो है नेक्स्ट वन फोर डैश बी यानी फोर है क्या बी में है इसलिए फोर बिलोंग्स टू बी यानी बिलोंग्स टू को ऐसे लिखेंगे फोर बिलोंग्स टू बी अभी मालूम पड़ रहा है ना उसमें है तो बिलोंग्स टू लिखिए नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू अभी एक सम का हल करके हम देखेंगे कैसे उसका हल करना है अभी करके देखेंगे